रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो एवरीवन, टुडे आई विल शेयर विद यू द ट्रांसलेशन ऑफ यूनिट नंबर 4, फर्स्ट एड। दिस इज द यूनिट नंबर 4 एंड फर्स्ट एड। इट इज़ अबाउट 10th क्लास। 10th क्लास का ये यूनिट है और फर्स्ट एड इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बारे में ये यूनिट है। यानी कि जब हम रोड पर जा रहे हों और हमारे साथ नागहानी सूरत हाल पेश आ जाए, या हमें रास्ते में किसी जगह पर हमारे साथ कोई एक्सीडेंट, अल्लाह ना करे, हमारे साथ हो जाए, तो वहाँ पर जो है वो, या किसी के साथ हो जाए और हम वहाँ पर मौजूद हों, तो हम कैसे उस आदमी की केयर कर सकते हैं, या उनको जो है वो हॉस्पिटल से पहुँचने से पहले पहले उसकी ज़िंदगी को बचा सकते हैं। तो हॉस्पिटल से पहले पहले तक जो जो एक आदमी को सेव करने का तरीक़ेकार होता है, वो सारा जो है वो फर्स्ट एड में आता है। और इसको उर्दू में इब्तदाई तिब्बी इमदाद कहते हैं। फर्स्ट में ना इब्तदाई, और एड जो है, एड का मीनिंग है तिब्बी इमदाद। एक होती है फाइनेंशियल एड, एक होती है मेडिकल एड। तो यहाँ पर जो एड है वो मेडिकल एड की बात हो रही है, यानी कि तिब्बी इमदाद की बात हो रही है। इब्तदाई तिब्बी इमदाद, इसकी ट्रांसलेशन हम पढ़ेंगे। और ये हमारे सामने यूनिट है कि वी ऑल नीड हेल्प एट टाइम्स इन आवर लाइव्स। हम सबको बसा औकात अपनी जिंदगियों में मदद की ज़रूरत पड़ जाती है। वी ऑल नीड, हम सबको ज़रूरत पड़ जाती है हेल्प, मदद की, एट टाइम्स, बसा औकात, इन आवर लाइव्स, अपनी जिंदगियों में। अब यहाँ पर ये जो वर्ड है, ये जो यहाँ पर वर्ड है बसा औकात, यानी कि एट टाइम्स का मीनिंग जो है वो बसा औकात है, ठीक है। और इसको हम जो है वो साथ साथ मैं आपको मीनिंग बताता चलूँगा ताकि इसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम ना रहे। समटाइम्स वी मे हैव एक्सीडेंट एंड वी मे गेट हर्ट। बाज़ोकात समटाइम्स मैंने होता है, बाज़ोकात हम किसी हादसे का शिकार होकर ज़ख्मी हो जाते हैं। समटाइम्स वी मे हैव एक्सीडेंट्स, हमारा हादसा हो सकता है, एंड वी मे गेट हर्ट, और हम ज़ख्मी हो सकते हैं, यानी हादसे का शिकार होकर ज़ख्मी हो जाते हैं। मे का मीनिंग है, ये जो है ये मॉडल वर्ब है, और ये कब यूज़ होता है, ये उस वक्त यूज़ होता है जब हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे होते हैं, किसी चीज़ के होने के, ये किसी चीज़ के इम्कान की बात कर रहे होते हैं। वेन वी आर इंजर्ड आर सडनली बिकम अनवेल, जब हम जख्मी होते हैं, इंजर्ड जख्मी हो जाते हैं, आर सडनली बिकम अनवेल, या अचानक हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो वी नीड समवन टू हेल्प अस, हमें किसी की ज़रूरत होती है जो हमारी मदद करे। समवन हु नोज़ व्हाट टू डू, कोई ऐसा जो जानता हो कि क्या करना है। इट इज़ दी टेम्प्रेरी एंड इमीडिएट हेल्प, ये आर्जी और फौरी मदद होती है। टेम्प्रेरी का मीनिंग है आर्जी, ठीक है, जो टेम्प्रेरी लफज है इसका मीनिंग है आर्जी, और ये जो इमीडिएट है इसका मीनिंग है फौरी, ठीक है। इमीडिएट का मीनिंग फौरी, और टेम्प्रेरी का आर्जी, यानी कि हमें फौरी और आर्जी मदद की ज़रूरत होती है। ये फौरी और आर्जी मदद होती है। दिस टाइमली असिस्टेंस, ये बरवक्त मदद, कंप्राइजिंग ऑफ, अब ये जो टाइमली असिस्टेंस है, ये जो दो वर्ड है टाइमली असिस्टेंस, इनको हम बोलेंगे कि बर वक्त मदद। दिस टाइमली असिस्टेंस, ये बर वक्त मदद, कंप्राइजिंग ऑफ सिंपल मेडिकल टेक्निक्स, मुश्तमिल होती है, कंप्राइजिंग ऑफ, मुश्तमिल होना, सिंपल मेडिकल टेक्निक्स, सादा तिब्बी टेक्निक्स पर, ये मदद जो होती है ये सादा तिब्बी महारतों पर मुश्तमिल होती है। इज़ मोस्ट क्रिटिकल टू दी विक्टम्स, और ये शिकार जद आदमी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मोस्ट क्रिटिकल का मीनिंग है इंतहाई ज़रूरी होती है शिकार जद आदमी के लिए। एंड ऑफन लाइफ सेविंग, और ये अक्सर ज़िंदगी बचाने वाली होती है। एनी ले पर्सन कैन बी ट्रेंड टू एडमिनिस्टर फर्स्ट एड, किसी भी आम शख्स को ट्रेन किया जा सकता है, यानी किसी भी आम शख्स को तरबियत दी जा सकती है
टू एडमिनिस्टर फर्स्ट एड, इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के, यानी कि किसी भी आम आदमी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने की तरबियत दी जा सकती है। फर्स्ट एड, द फर्स्ट एड कैन बी कैरीड आउट बाय यूजिंग मिनिमल इक्विपमेंट्स, इब्तदाई तिब्बी इमदाद कम से कम आलात को इस्तेमाल करके दी जा सकती है। ये इब्तदाई तिब्बी इमदाद कम अज़ कम आलात के इस्तेमाल से, मिनिमल मैना होता है कम अज़ कम, इक्विपमेंट्स मैना होता है आलात। फर्स्ट एड नॉलेज रेंज फ्राम टेकिंग केयर ऑफ कट्स टू डीलिंग विद एन अनकॉन्शियस विक्टम, इब्तदाई तिब्बी इमदाद का दायरा ज़ख्मों की देखभाल से किसी बेहोश मरीज़ को संभालने तक है। अब यहाँ पर देखें कि फ़र्स्ट एड नॉलेज रेंज फ्राम, यानी इसका जो दायरा है वो टेकिंग केयर ऑफ कट्स यानी कि ज़ख्मों की एहतियात से लेकर टू डीलिंग विद एन अनकॉन्शियस विक्टम, एक बेहोश जो शख्स है बेहोश मरीज़ को संभालने तक है। तो इब्तदाई तिब्बी इमदाद का दायरा ज़ख्मों की देखभाल से किसी बेहोश मरीज़ को संभालने तक है। ये है हमारा जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है उसके बारे में हमने बात की, ठीक है जी। अब हम ये जो सेकंड हमारा पैराग्राफ है उसकी तरफ हम चलते हैं, और इसमें जो इसका टाइटल है वो है कट्स एंड स्क्रेप्स, कट्स एंड स्क्रेप्स, ठीक है, ज़ख्म और खराशें, ज़ख्म और खराशें। हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट्स एट होम आर ऑन द रोड डिवेल्प्स अ सेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट, घर या सड़क पर होने वाले छोटे मोटे हादसों से निपटना हंगामी हालात को संभालने की सूझबूझ पैदा करता है। हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट्स एट होम, छोटे मोटे मामलात यानी जो छोटे एक्सीडेंट्स होते हैं, छोटे हादसात होते हैं घर में, उनको हैंडल करना, आर ऑन द रोड या रोड पर इस किस्म के हादसात होते हैं तो वहाँ पर उनको हैंडल करना, डिवेल्प्स अ सेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट, ये हमारे अंदर नागहानी हालात को संभालने की सूझबूझ पैदा करते हैं। दिस मे प्रिपेयर पीपल टू टैकल विद अनएक्सपेक्टेड एमरजेंसीज विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, दिस मे प्रिपेयर पीपल, ये तैयार कर सकता है लोगों को टू टैकल विद अनएक्सपेक्टेड एमरजेंसीज, कि वो नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, बड़े एतमाद के साथ। तो यानी कि ये जो ये चीज़ गैर मुतवक्के हंगामी हालात से एतमाद के साथ निपटने के लिए लोगों को तैयार कर सकती है। माइनर कट्स एंड स्क्रेप्स यूजुअली डू नॉट नीड टू गो टू द एमरजेंसी रूम, मामूली ज़ख्मों और ख़राशों की सूरत में अमूमन एमरजेंसी रूम में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। माइनर कट्स एंड स्क्रेप्स यूजुअली डू नॉट नीड टू गो टू एमरजेंसी रूम, येट प्रॉपर केयर इज़ एसेंशियल टू अवॉइड इन्फेक्शन और अदर कॉम्प्लिकेशंस, ताहम ज़ख्मों की जरासीम जदगी और दीगर पेचीदगियों से बचने के लिए मुनासिब देखभाल ज़रूरी है। येट का मीनिंग है ताहम प्रॉपर केयर, मुनासिब एहतियात इज़ एसेंशियल, ज़रूरी है टू अवॉइड इन्फेक्शन, जरासीम जदगी से बचने के लिए, और अदर कम्प्लिकेशंस या दूसरी जो पेचीदगियाँ हैं उनसे बचने के लिए। फॉलोइंग गाइडलाइंस कैन हेल्प यू टू हैंडल क्राइसिस एंड टेक केयर ऑफ आल, दर्ज ज़ैल हिदायत हंगामी सूरत हाल से निपटने और सब मामलात की देखभाल करने में आपको मुआवनत फराहम कर सकती है। स्टॉप द ब्लीडिंग, अब उसमें सबसे पहले क्या है, स्टॉप द ब्लीडिंग, खून के बहाव को रोकना। माइनर कट्स एंड स्क्रेप्स यूजुअली स्टॉप ब्लीडिंग ऑन देयर ओन, मामूली ज़ख्मों और ख़राशों से खून बहना अमूमन खुद ब खुद ही बंद हो जाता है, ऑन देयर ओन यानी कि खुद ब खुद ही बंद हो जाता है। इफ़ दे डोंट, अगर ऐसा नहीं होता, अप्लाई जेंटल प्रेशर विद अ क्लीन क्लॉथ और बैंडेज, अगर खून बहना बंद ना हो तो साफ़ कपड़े या पट्टी से हल्का सा दबाव डालें। होल्ड द प्रेशर कंटिन्यूसली फॉर 20 to 30 seconds, 20 से 30 सेकंड तक उस प्रेशर जो आपने लगा रखा है उसको रखें वहाँ पर। एंड इफ़ पॉसिबल एलिवेट द वुंड, और अगर मुमकिन हो तो ज़ख़म वाली जगह को ऊपर उठा लें, यानी कि 20 से 30 सेकंड तक मुसलसल दबाते रहें
और अगर मुमकिन हो तो ज़ख़म वाली जगह को ऊपर उठा लें। डोंट कीप चेकिंग टू सी इफ़ द ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप्ड, ये ना देखते रहें कि क्या खून रुक चुका है या नहीं, बिकॉज दिस मे डैमेज आर डिसलॉज द क्लॉट दैट इज़ फॉर्मिंग, क्योंकि ये जो वहाँ पर जो ज़ख़म जो है, ये जो वहाँ पर खरंड जो ऊपर बन रहा है उसको बनने में या उसको उसको दोबारा से उसको ख़राब करने में ये चीज़ जो है वो हो सकती है। तो डोंट कीप चेकिंग, ना चेक करते रहें, ये ना देखते रहें, टू सी देखना इफ़ द ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप्ड कि क्या ब्लीडिंग रुक चुकी है, बिकॉज दिस मे डैमेज कि ये नुकसान पहुंचा सकती है, आर डिसलॉज या ये जो उसकी जगह है जो वहाँ पर जो खंड बन रहा है उसकी जगह उसको उसको बनने में रुकावट पैदा कर सकती है। ये देखने के लिए कि आया खून बंद हुआ है या नहीं, ज़ख़म को बार बार चेक ना करें, ये अमल बनने वाले खंड को नुकसान पहुंचा सकता है या उसे अपनी जगह से हटाकर खून के दोबारा जारी होने का सबब बन सकता है, यानी कि डैमेज आर डिसलॉज द क्लॉट, यानी खंड जो बन रहा है या तो उसको वो नुकसान पहुंचा सकता है या उसकी जगह को तब्दील कर सकता है, दैट इज़ फॉर्मिंग जो बन रहा है, एंड काज ब्लीडिंग टू रिज्यूम, और खून के दोबारा बहाव का जो है वो वजह बन सकता है। इफ़ ब्लड स्पर्ट्स आर कंटिन्यूस फ्लोइंग आफ्टर कंटिन्यूस प्रेशर, सीक मेडिकल असिस्टेंस, अगर मुसलसल दबाव के बाद भी खून निकल कर मुसलसल बह रहा हो तो तिबी इमदाद हासिल करें। उसके बाद है क्लीन द वूंड, ज़ख़म की सफाई। अब इसमें आप ये देखें कि क्लीन का मीनिंग होता है साफ़ और वूंड का मीनिंग होता है ज़ख़म। क्लीन द वूंड, ज़ख़म की सफाई। रिंस आउट द वूंड विद क्लियर वाटर, ज़ख़म को साफ़ पानी से धो लें। रिंस आउट का मीनिंग है धोना। टू क्लीन द एरिया अराउंड द वूंड, ज़ख़म के इर्द गिर्द वाली जगह को साफ़ करने के लिए यूज सोप एंड अ वॉश क्लॉथ, साबुन का इस्तेमाल करें या साफ़ी इस्तेमाल करें, यानी कि साफ़ कपड़ा इस्तेमाल करें जो कि गीला कपड़ा हो। बट सोप कैन इरीटेट द वूंड, लेकिन जो साबुन है वो ज़ख़म के अंदर उस ज़ख़म के ज़ख़म जो है उसके अंदर इरीटेशन पैदा उसके अंदर सूजिश पैदा कर सकता है। इरीटेट मैंने होता है सूजिश करना। सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वूंड, इसलिए साबुन को जो सही जगह वाली ज़ख़म जहाँ पर है उससे इर्द गिर्द जगह पर लगाएँ। इफ़ डर्ट आर डेब्रिस रिमेन्स इन द वूंड आफ्टर वॉशिंग, यूज ट्वीजर्स क्लीन्ड विद अल्कोहल टू रिमूव द पार्टिकल्स, अगर ज़ख़म को धोने के बाद गर्दो गुबार या कोई रेजा बाकी रह जाता है तो इन ज़र्रात को हटाने के लिए अल्कोहल से साफ़ की हुई चिमटी इस्तेमाल करें। यूज़ ट्वीजर्स क्लीन्ड विद अल्कोहल टू रिमूव द पार्टिकल्स, यानी उन ज़रात को हटाने के लिए जो अल्कोहल से अल्कोहल उस पर लगा हुआ हो वो चिमटी जिस पर अल्कोहल लगा हो वो लगाकर वो इस्तेमाल करें। इफ़ डेब्रिस स्टिल रिमेन्स, अगर अच्छी तरह सफाई फिर भी ना हुई यानी अगर गर्दो गुबार फिर भी बाकी रह जाए, गर्दो गुबार डेब्रिस स्टिल रिमेन्स फिर भी रह जाए, सी योर डॉक्टर, तो डॉक्टर से रजू करें। थ्रू क्लीनिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड टैटिनस, अच्छी तरह से सफाई ज़ख़म के जरासीम आलूद होने और टैटिनस का ख़तरा कम हो जाता है, यानी अच्छी तरह सफाई से ज़ख़म के जरासीम आलूदा होने और टैटिनस का ख़तरा उससे कम हो जाता है। ये हमारा अभी जो है वो दूसरा, इसमें अब तीसरा जो है अप्लाई एन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल। एंटी यानी कि जरासीम कुश मरहम लगाना, एंटीबायोटिक होता है जरासीम कुश, और अप्लाई उसका लगाना, अप्लाई एन एंटीबायोटिक जरासीम कुश मरहम लगाना। आफ्टर यू क्लीन द वूंड, जब ज़ख़म को आप साफ कर लेते हैं, अप्लाई अ थिन लेयर ऑफ एन एंटीबायोटिक क्रीम आर ऑइंटमेंट टू हेल्प कीप द सरफेस मॉइस्ट, ज़ख़म साफ़ करने के बाद सतह को नमदार रखने के लिए कोई जरासीम कुश क्रीम या मरहम लगा दें। द प्रोडक्ट्स डोंट मेक द वूंड हील फास्टर, ये चीज़ें इन चीज़ों से ज़ख़म तेज़ी से मुंतमिल नहीं होता, बट दे कैन हेल्प योर बॉडीज़ नेचुरल हीलिंग प्रोसेस वर्क फास्ट,
लेकिन ये चीज़ें आपके जिस्म के शफा याबी के कुदरती अमल को तेज़ी से काम करने में मदद फराहम करते हैं। यानी इससे ये तो नहीं होगा कि आपका ज़ख़म जो है वो बहुत जो है वो जल्द ठीक हो जाएगा, लेकिन इससे ये ज़रूर होगा कि आपके अंदर जो एक एंटीबॉडीज़ जो हैं वो पैदा हो जाएंगी और उससे आपका जिस्म जो है वो उस बीमारी के खिलाफ लड़ने में ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। तो इन चीज़ों से ज़ख़म तेज़ी से मुंदमिल नहीं होता, बल्कि ये चीज़ें आपके जिस्म की शफा याबी के कुदरती अमल को तेज़ी से काम करने में मदद फराहम करते हैं। उसके बाद है, सर्टन इंग्रेडिएंट्स इन सम ऑइंटमेंट्स कैन काज अ माइल्ड रैश इन सम पीपल। मरहम में मौजूद बाज़ अज़ा कुछ लोगों में हल्की सी सोजिश पैदा कर सकते हैं। सर्टन इंग्रेडिएंट्स, खास अज्जा इन सम ऑइंटमेंट्स कुछ मरहम के अंदर, कैन काज अ माइल्ड रैश इन सम पीपल, कुछ लोगों में वो हल्की सी सोजिश पैदा कर सकते हैं। माइल्ड मैंने हल्की सी, रैश का मीनिंग है सोजिश। इफ़ अ रैश अपेयर्स, अगर सोजिश हो, स्टॉप यूजिंग दी ऑइंटमेंट, अगर सोजिश हो तो मरहम लगाना बंद कर दें। उसके बाद है, कवर द वूंड, जख्म को ढांपना, कवर द वूंड, जख्म को ढांपना। बैंडेज कैन हेल्प कीप द वुंड क्लीन, पट्टियाँ जो होती हैं वो ज़ख़म को साफ़ रखने में मदद उनसे मिलती है। एंड कीप हार्मफुल बैक्टीरिया आउट, और वो नुकसानदेह जरासीमों से दूर रखती हैं। पट्टियों से ज़ख़मों को साफ़ रखने में मदद मिलती है और वो नुकसानदेह जरासीमों से दूर रखती हैं। उसके बाद है, आफ्टर द वुंड हैज़ हील्ड एनफ, जब ज़ख़म काफ़ी हद तक जो है मुंतमिल हो चुका हो, टू मेक इन्फेक्शन अनलाइकली, कि इस हद तक के जो अब इन्फेक्शन है वो ना, यानी उसके होने के चांसेस ना हों, एक्सपोजर टू द एयर विल स्पीड वूंड हीलिंग। तो उस वक़्त हवा लगने के लिए खुला छोड़ देने से ज़ख़म के ठीक होने में तेज़ी आ जाएगी। यानी जब ज़ख़म इतना ठीक हो जाए कि जरासीम जदगी का इम्कान बाकी ना रहे, तो फिर आप पट्टी हटा लें, यानी उसे हवा लगने के लिए खुला छोड़ दें। उस खुला छोड़ देने से ज़ख़म के ठीक होने में तेज़ी आ जाएगी। उसके बाद है, चेंज दी ड्रेसिंग, चेंज दी ड्रेसिंग, पट्टी तब्दील करना। चेंज दी ड्रेसिंग एट लीस्ट डेली आर वेन एवर इट बिकम्स वेट आर डर्टी। पट्टी कम से कम रोज़ाना बदलें, या फिर जब पट्टी गीली या ख़राब हो जाए। यहाँ पर ड्रेसिंग का मीनिंग जो है वो लिबास हरगिज़ नहीं है, ड्रेसिंग का मीनिंग है वो पट्टी जो आपने ज़ख़म पर लगाई है उसकी बात हो रही है। इफ़ यू आर एलर्जिक टू दी एडहेसिव मटेरियल यूज्ड इन मोस्ट बैंडेजेस, अगर आप चिपकने वाले मादे से एलर्जी होती है आपको, जो कि काफ़ी पट्टियों में इस्तेमाल होता है, तो स्विच टू एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग्स, तो ऐसी पट्टी लगाएं जो चिपकने वाली ना हो, आर स्टीराइल गोज, या वहाँ पर जो है वो जरासीम से पाक जालीदार पट्टी इस्तेमाल करें। स्टीराइल गोज हेल्ड इन प्लेस विद पेपर टेप, जिस पर जो है वो कागजी टेप जहाँ उसके 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 ऊपर लगा दें और वो इस्तेमाल करें। आर एक्स जो इसमें है, गौज रोल इस्तेमाल करें, यानी कि जो जालीदार रोल है वो इस्तेमाल करें। आर इलास्टिक बैंडेज, या उसमें जो यानी जो है वो अप्लाइड इलास्टिक बैंडेज, जो लचकदार पट्टी है उसका इस्तेमाल करें। दीज सप्लाइज जनरली आर अवेलेबल इन फार्मेसीज, ये अशिया आमतौर पर अद्वियात फरोशों से मिल जाती हैं। फार्मेसीज़ का मीनिंग होता है अद्वियात फरोश, जो दवाइयाँ बेचने वाले जो लोग होते हैं उनसे, ये फार्मेसी के शॉप से ये मिल जाती हैं। वॉच फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की जो अलामात हैं उनको देखते रहें, यानी कि जो जिन चीज़ों से इन्फेक्शन हो सकता है, यानी जरासीम जदगी की अलामतों का ख्याल रखना। सी योर डॉक्टर इफ़ द वूंड इज़ नॉट हीलिंग, अपने डॉक्टर से रजू करें अगर अगर ज़ख्म ठीक नहीं हो रहा। आर यू नोटिस एनी रेडनेस, या आप कोई यानी वहाँ पर सुर्खी महसूस कर रहे हैं। इंक्रीजिंग पेन, वहाँ पर दर्द हो रहा है, दर्द बढ़ता जा रहा है।
ड्रेनेज हो रही है, यानी वहाँ से कोई रतूबत वगैरह जो पीप का बहना होता है वो हो रहा है, वाम्ट आर स्वेलिंग, या वहाँ पर हिद्दत हो रही है या सूजन हो रही है, यानी जगह जो है वो आपको गरम गरम लग रही है या वहाँ पर स्वेलिंग यानी कि सूजन हो रही है, तो इन सूरत हाल में अपने डॉक्टर से रजू करें। उसके बाद है फर्स्ट एड किट। फर्स्ट एड किट ये हमारा तीसरा पैराग्राफ है कि एवरी ऑफिस फैक्ट्री होम एंड स्कूल शुड हैव एन एक्सेसिबल फर्स्ट एड बॉक्स विद द फॉलोइंग रिकमेंडेड बेसिक कंटेंट्स। हर दफ्तर कारखाने घर और स्कूल में आसान दस्तरस में इब्तदाई तिब्बी इमदाद का बॉक्स मौजूद होना चाहिए जिसमें दर्ज ज़ैल सिफारिश करदा चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। रिकमेंडेड का मीनिंग है सिफारिश करदा, बेसिक कंटेंट्स बुनियादी चीज़ें। तो हर ऑफिस में, फैक्ट्री में, घर में और स्कूल में शुड हैव एन एक्सेसिबल फर्स्ट एड बॉक्स, यानी कि जो एक्सेसिबल फर्स्ट एड बॉक्स है यानी कि आसान दस्तरस में वो आ सकता है, यानी कि काम बंदा उससे ट्रीटमेंट कर सकता है, वो होना चाहिए और जिसमें ये बुनियादी सिफारिश करदा चीज़ें मौजूद हों। अब वो कौन कौन सी हैं? फ़र्स्ट एड बुक, एक तो उसमें इब्तदाई तिब्बी इमदाद से मुतल्लिक किताब हो, क्लियरली एक्सप्लेन्स हाउ टू हैंडल बेसिक प्रॉब्लम्स, जिसमें वाज़े तौर पर ये हो कि किस तरह से जो बुनियादी मसाइल हैं उनसे निपटना है, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा बैंडेज यानी कि प्लास्टर्स उसमें हों, बैंडेज हों यानी कि पट्टी के लिए मुआवन सामान जो है वो हूँ, बैंड मैना पट्टी, एड्स मैना उसके मुआवन सामान यानी कि पट्टी के लिए मुआवन सामान। अब इसमें क्या होगा कि बैंडेड्स आर स्टिकी प्लास्टर्स आर गुड फॉर ड्रेसिंग स्मॉल वूंड्स, मामूली ज़ख्मों पर मरहम पट्टी करने के लिए तैयार शुदा पट्टियाँ या चिपकने वाले पलिस्तर अच्छे होते हैं। They come in all shapes and sizes for fingers, legs and anywhere, ये उंगलियों, टांगों या जहाँ भी कोई मामूली ज़ख़म आए उसके लिए हर शक्ल और हुजम में दस्तियाब होती हैं। उसके बाद है एंड एनी वेयर एल्स यू माइट गेट लिटल कट्स, और जहाँ पर भी आपको ज़ख़म वगैरह आ सकता है वहाँ के लिए हर जगह के लिए वो जो है वो प्लिस्तर और दूसरी जो छोटी पट्टियाँ होती हैं वो मौजूद होती हैं। मेक श्योर द बैंडेड इज़ बिग एनफ टू कवर द वूंड, इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि जो पट्टी है वो इतनी बड़ी हो कि ज़ख़म को ढांप सके। इफ़ नॉट यू शुड यूज़ अ ड्रेसिंग इंस्टेड, और अगर फिर वो जो है वो ना हो इतनी बड़ी, तो ऐसी पट्टी दस्तियाब ना हो तो फिर मरहम पट्टी इस्तेमाल करें, फिर जो मरहम पट्टी है वो इस्तेमाल करें। उसके बाद है तीसरा इलास्टिक बैंडेज यानी कि जाली जो लचकदार पट्टियां हैं वो, इलास्टिक लचकदार बैंडेज पट्टियां। दी इलास्टिक बैंडेजेस आर गुड फॉर रैपिंग स्प्रेन्ड जॉइंट्स, आर मेकिंग मेकिंग अ स्लिंग इन द केस ऑफ अ ब्रोकन आर्म, जो लचकदार पट्टियां हैं मोजज़दा जोड़ों को लपेटने के लिए इस्तेमाल होती हैं या उन्हें बाजू के टूटने की सूरत में सहारा देने वाली पट्टी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द इलास्टिक बैंडेजेस आर गुड फॉर रैपिंग स्प्रेन्ड जॉइंट्स, यानी कि वो जॉइंट जो मोजज़दा हैं उनको लपेटने के लिए इस्तेमाल होती हैं, या आर मेकिंग अ स्लिंग इन द केस ऑफ अ ब्रोकन आर्म, या उन्हें बाजू के टूटने की सूरत में सहारा देने वाली पट्टी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद है चौथा गोज एंड एडहेसिव टेप। गोज एंड एडहेसिव टेप यानी कि जालीदार और सूती पट्टी और चिपकने वाली टेप। गोज पैड्स आर रोल्स आर क्लॉथ पैड्स दैट आर प्लेस्ड डायरेक्टली ऑन अ वूंड टू प्रोटेक्ट एंड कंट्रोल ब्लीडिंग। जालीदार सूती पट्टी के पैड या रोल कपड़े के वो पैड होते हैं जिन्हें खून की हिफाजत और खून बहने से रोकने के लिए बराह रास्त ज़ख़म पर रखा जाता है। यू विल नीड एडहेसिव टेप टू कीप द गोज इन प्लेस, और जालीदार सूती पट्टी को अपनी जगह पर रखने के लिए आपको चिपकने वाली टेप की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि वो टेप अप ऊपर लगाएंगे तो उससे वो जालीदार सूती कपड़ी जो है वो जो पट्टी है वो अपनी जगह पर रहेगी। इन एन एमरजेंसी अ क्लीन क्लॉथ, हैंड टॉवल, क्लीन टी शर्ट,
कैन बी यूज टू कवर द वुंड। हंगामी सूरत हाल में ज़ख़म को ढांपने के लिए साफ कपड़ा, हाथों को साफ़ करने वाला तौलिया और साफ़ सुथरी टी शर्ट इस्तेमाल की जा सकती है। उसके बाद जो हमारा है वो है एंटीसेप्टिक वाइप्स एंड कॉटन वूल, जरासीम से पाक साफ़ी और सूती ऊन एक ये, और छठे नंबर पर सेफ्टी पिन्स एंड ट्वीज़र्स, सेफ्टी पिन और छोटी चिमटियाँ, और उसके बाद सातवें नंबर पर है सीजेज यानी कि कैंचियाँ। अ पेयर ऑफ सीजेज इज़ नीडेड टू कट द टेप एंड गॉज, फीते या जालीदार सूती पट्टी को काटने के लिए एक कैंची की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आठवें नंबर पर है लैटेक्स ग्लव्स, लैटेक्स ग्लव्स यानी कि रबड़ के दस्ताने। लैटेक्स ग्लव्स आर ऑलवेज अ गुड आइडिया, रबड़ के दस्ताने हमेशा अच्छे ख्याल किए जाते हैं, एस्पेशली इफ़ यू आर डीलिंग विद बॉडी फ्लूइड्स फ्राम अ स्ट्रेंजर, ख़ास तौर पर जब आपका वास्ता किसी अजनबी जिस्म के सयाल मादे से पड़ जाए। स्पेशली ख़ासतौर पर इफ़ यू आर डीलिंग विद बॉडी, आप ऐसे जिस्म से आपका वास्ता पड़ा है फ्लूइड्स फ्राम अ स्ट्रेंजर यानी कि अजनबी जिस्म के, वो अजनबी आदमी था, अजनबी जिस्म के सियाल मादे से आपका जो है वो वास्ता पड़े, तो उसके लिए रबड़ के दस्ताने का होना ज़रूरी है। उसके बाद है कैलेमाइन लोशन, ठीक है, यानी कि कैलेमिन लोशन जो है वो, कैलेमिन लोशन इज़ यूज फॉर सूदिंग सन बर्न्स एंड स्टिंग्स। कैलेमिन लोशन का इस्तेमाल धूप की जलन और डंक की सूरत में आराम हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि सूदिंग सन बर्न्स यानी कि जो धूप पड़ती है, धूप की जलन होती है, उससे आराम के लिए होता है, एंड स्टिंग्स, और अगर डंक यानी कोई जो है वो डंक किसी चीज़ का, किसी चीज़ ने डंक मार लिया हो तो उसी के लिए भी वो कैलेमिन लोशन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है क्लिनिकल थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर को होना चाहिए, और ग्यारहवें नंबर पर एनल्जेसिक टैबलेट्स, राफे दर्द गोलियां यानी कि जो गोलियां जो कि दर्द को ख़त्म करती हैं, सच एज एस्प्रिन और पैरासीटामोल, जैसा कि एस्प्रिन या पैरासीटामोल ये गोलियां होती हैं जो कि दर्द को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का चैप्टर था जो कि फर्स्ट एड का चैप्टर था, काफ़ी ये लेंथी भी है और थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो आपने गौर से इस वीडियो को देखना है, मीनिंग को सुनना है, जो ट्रांसलेशन मैंने की है उसको सुनना है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आप गौर से इसको बार बार सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल्स।